तो क्यों दोस्तों, आप भी आज तक यही मानकर बैठे हो कि आपकी नन्ही मुन्नी सी आंखें आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। लेकिन अगर धोखा खाना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो को देखने से आपके दिमाग के पुर्जे हिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप भी कोई काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, सब छोड़ दो, क्योंकि आपको सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो के जरिए हम आपकी आंखों का ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट लेने वाले हैं, जो आज ये साबित कर देगा कि आखिर आपकी आंखें कितनी तेज हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों इस बॉक्स को जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें कितने कलर्स हैं। देखने में ये काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन ये उतना आसान है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। और ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस बॉक्स पे 7 कलर हैं, क्योंकि इस बॉक्स में जो आपको ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, असल में वो ब्राउन नहीं बल्कि ऑरेंज कलर है। और अब जरा ये देखो, क्यों दोस्तों, खा गए थे ना धोखा। दोस्तों इस इल्यूजन को सिर्फ कुछ खास लोग ही सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो भाई आप भी ट्राई कर लो। दोस्तों क्या आप इस घोड़े की इमेज में घोड़े के अलावा भी कुछ अजीब या फिर अलग से देख पा रहे हैं? जरा ध्यान से देखिए और बताइए। जिस जिसने एक बार में पहचान लिया तो वो यकीनन जीनियस है, और जो नहीं बता पाए उन्हें हम बता देते हैं। घोड़े की नाक और आंख के बीच में जरा ध्यान से देखिए, आपको एक लड़की बनी हुई दिखाई देगी। दोस्तों जरा इस इमेज को ध्यान से देखो और बताओ कि इस इमेज में क्या चीज है जो सामने होते हुए भी आपकी आंखों से छुपी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ नदी या पहाड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस इमेज में छुपी हुई एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो है तो आपकी नजरों के सामने ही, लेकिन फिर भी वो इस इमेज में छुपी हुई है। तो चलिए दोस्तों अब आपके पास 10 सेकंड हैं, दिमाग लगाओ और बताओ कि आखिर इस इमेज में क्या छुपा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको वो नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। लेकिन जिस जिस को वो चीज दिख गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सबको, क्योंकि आपकी आंखें और दिमाग बहुत तेज हैं। तो दोस्तों जरा इस इमेज में थोड़ा पीछे की ओर देखो, इस जगह पे आपको एक लायन दिखेगा। और दोस्तों जरा आप इस डॉग की इमेज को ध्यान से देखें और बताइए क्या आपको कुछ और भी नजर आ रहा है या नहीं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया दोस्तों, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जरा डॉग की इस जगह पे ध्यान से देखिए, आपको एक इंसान नजर आ रहा होगा जो कि टोपी पहने हुए है। तो क्यों दोस्तों, अगर आपने भी इस कुत्ते में इस टोपी वाले इंसान को देख लिया था तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अब जरा आप इस डिजाइन को देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे तो ये किसी जलेबी की तरह लग रहा है जिसकी लाइनिंग एक दूसरे को काट रही है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि सर्कल के अंदर सर्कल है जो कि एक दूसरे से दूर दूर है। और अगर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा तो अब जरा इस लाइन को ध्यान से देखो, इस इल्यूजन को इंटरवीनिंग इल्यूजन कहा जाता है। तो क्यों दोस्तों, क्या आप इस इल्यूजन को मेरे बताने से पहले ही समझ गए थे? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अब जरा आप इस इमेज को देखो, स्क्रीन पर आपको जो कार दिख रही हैं, क्या वो सभी कार सेम साइज की हैं? इमेज को ध्यान से देखें और बताएं। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा इस इमेज को ध्यान से देख सकते हैं, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आया तो हम आपको बता देते हैं कि सभी कार दिखने में चाहे छोटी बड़ी लग रही हो, लेकिन ये सभी सेम साइज की हैं। और अगर आप इस इल्यूजन को नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, हमारे पास आपके लिए और भी ऐसे इल्यूजन्स हैं। आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दो फेस नजर आ रहे होंगे, जिसमें लेफ्ट में लड़की का फेस नजर आ रहा है और राइट में लड़के का। क्या आपको मेरी बात सच लग रही है? तो हम आपको बता दें कि ये दोनों इमेज सेम है। और इस इल्यूजन को डर्टी बर्ड कॉलेज ने एक पब्लिक स्टडी के दौरान तैयार किया था, और इस दौरान पता चला कि मात्र फेस कंट्रास्ट में कम या ज्यादा होने के कारण ये लड़का लड़की में नजर आ रहे हैं। इस लेफ्ट साइड वाली इमेज में कंट्रास्ट थोड़ा ज्यादा है और राइट वाली इमेज में कंट्रास्ट थोड़ा कम किया गया है, और इसी वजह से दोनों में मेल फीमेल का अंतर लग रहा है। दोस्तों इस मूविंग इमेज को जरा ध्यान से देखिएगा, क्या आपको ये डॉट या इमेज हिलते हुए नजर आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये आपकी आंखों का धोखा है, क्योंकि ये इमेज बिल्कुल भी नहीं हिल रही। लेकिन यदि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके इमेज को देखिए। यदि आप अपनी आंखों को किसी एक पॉइंट पर बिना हिलाए रखते हो तो आपको ये इमेज हिलती हुई नजर नहीं आएगी।
और जैसे ही आप अपनी आंखों को भी हिलाना शुरू करते हैं तो आपको ये इमेज भी हिलती हुई नजर आने लगती है। दोस्तों अब आप देखेंगे इनविजिबल डॉट्स। आपको इस वीडियो में पिंक कलर के बहुत सारे डॉट्स दिख रहे होंगे जो कि एक सर्कल बना रहे हैं। अब जरा आप अपना ध्यान बीच वाले प्लस पर लगाओ और फिर देखना इस इल्यूजन का कमाल। दोस्तों क्या आप वो पिंक डॉट के ऊपर आपको कोई ग्रीन डॉट चलते हुए नजर आ रही है? और अब आप जरा और ध्यान लगाओगे तो आपको दिखाई देगा कि सभी डॉट अचानक से गायब हो जाएंगे और आपको बस सिर्फ ग्रीन डॉट ही नजर आ रहा होगा जो कि घूम रहा है। और अब जरा आप अपना ध्यान उस प्लस से हटाकर देखो, क्या अब ग्रीन डॉट गायब हो गए? आपको बता दें कि यह सब आपके दिमाग का वहम है या फिर यूं कहें कि एक इल्यूजन है। दोस्तों इस वीडियो में आपको दो इंसान नजर आ रहे होंगे जो एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं। इस वीडियो में एक आदमी काफी बड़ा और दूसरा काफी छोटा नजर आ रहा है, लेकिन जरा आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, दोनों की जगह चेंज करते ही दोनों का साइज भी चेंज हो जाता है। तो क्या दोस्तों आपको पता लगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है? दोस्तों आप अब भी नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आप उन्हीं आम लोगों में से हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये कैसे और क्यों हुआ। आपको बता दें कि ये एक खास तरह का रूम है जो कि इसी तरह के इल्यूजंस के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि ये नजरें और दिमाग हमें इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि हमारे दिमाग को और आंखों को नॉर्मल रूम देखने की आदत है और दिमाग इस इल्यूजन में फंस जाता है। दोस्तों जरा गौर से इस घूमते हुए पिक्चर को देखिए और कॉन्सेंट्रेट कीजिए इसकी सेंटर की व्हाइट स्पॉट पर और एक मिनट तक बिना पलक झपकाए इस डॉट को अपनी तरफ आते देखते रहिए। रुकिए और दोस्तों अब आप अपने आसपास की कोई भी चीज देख लीजिए। क्यों, क्या हुआ, घूम गया ना आपका भी सर? खैर दोस्तों ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, आगे की पिक्चर तो अभी बाकी है क्योंकि नेक्स्ट इल्यूजन्स और भी खतरनाक होने वाले हैं। गौर से देखिए इस कागज को जिसमें दो एरोज बने हुए हैं और उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और अगर आप इसके सामने एक ग्लास रखेंगे और उसमें पानी डालेंगे तो देखिए क्या होगा, एरो ने अपना डायरेक्शन बदल लिया। जी हाँ दोस्तों, कौन कहता है पानी सिर्फ जिंदगी बचाता है, कभी कभी पानी बहुत कुछ घुमाता भी है। तो दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह ही इस इल्यूजन को देखकर शॉक हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो मूविंग इमेज है उसके सेंटर में एक डॉट है, इस बार इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जब तक मैं ना कहूं इससे अपनी आंख मत हटाइएगा। दोस्तों अब रुक जाइए और अपने आसपास देखिए, क्यों फिर से घूम गई ना आपकी दुनिया? दोस्तों इस अगले इल्यूजन में आप देखेंगे आपको इस पिक्चर में कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए और बताइए दिखाई दे रहे एनिमल के पिक्चर में कितने एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज तक इस पहेली का जवाब 99% लोगों ने पहली बार में नहीं दिया है। तो हम देखना चाहेंगे कि आप इस पिक्चर की पहेली का जवाब दे पाते हो या नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों अगर आपने 16 एनिमल्स ढूंढ लिए हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो। सही जवाब है 16 एनिमल्स। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों इस पिक्चर को पहली बार में देखने में आपको कितने एनिमल्स दिखाई दिए थे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों ये बताइए कि आपको दिखाई दे रहे पिक्चर में कितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? अगर आप इस पिक्चर को सीधा करोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक आदमी और एक बच्चा प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों दोस्तों, हो गए ना आप भी हैरान? तो दोस्तों ये आखिरी इल्यूजन जिसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना होगा, गौर से देखिए इन तीनों रॉड को देखिए, आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा रॉड सबसे अलग है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इन इल्यूजन्स में से किस इल्यूजन का सही जवाब दिया है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।